गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एट। चिल्ड्रन, आज हम लेसन 6 द मशीन मैन पढ़ेंगे। द मशीन मैन। मम्मी मम्मी जॉय हैज बिटन मी, जॉय हैज बिटन मी, क्राइड रॉबिन। मम्मी मम्मी जॉय ने मुझको पीटा है, रॉबिन चिल्लाया, रोया। एज द चाइल्ड स्पोक टू हिज मदर, जैसा कि बच्चे ने अपनी माँ को बताया। हु वॉज वॉचिंग टीवी, टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। स्विचिंग ऑफ टीवी, हिज मदर इमिडिएटली अप्रोच जॉय द रोबोट एंड बिफोर इट कुड से एनीथिंग शी प्रेस द ऑफ बटन ऑन हिज चेस्ट। द रोबोट टर्न इंटू मेटलिक स्टैचू। जो कि बच्चा टीवी देख रहा था और उसके आंसू जो थे गाल पर आ गए थे। माँ ने टीवी को स्विच ऑफ करते हुए रोबोट से कहने से पहले ही उसने उसके चेस्ट का बटन ऑफ कर दिया। द रोबोट टर्न इंटू मेटलिक स्टैचू, और रोबोट जो था मेटलिक स्टैचू में चेंज हो गया, टर्न हो गया। कम माई डियर, सेड द मदर कडिंग रॉबिन, वाइपिंग अवे हिज टीयर्स एंड किसिंग मी। कम माई डियर, इधर आओ मेरे बेटे, सेड द मदर, मदर ने अपने बाजू पे रॉबिन को लेते हुए उसके आंसू पोंछते हुए उसको प्यार किया। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल सेट हिम राइट, मैं इसको ठीक कर दूंगी। इट्स रॉन्ग ऑफ हिम टू बीट यू, ये गलत है जो तुमको पीटा है। आई मस्ट रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू द रोबोटिक्स सेंटर, मैं इसकी घटना की रिपोर्ट जो है मैं रोबोटिक्स सेंटर में करूंगी। शी ओपनी पैनल बिलो द टीवी एंड प्रेस ए फ्यू बटन्स, इमिडिएटली ए पर्सन अपीयर ऑन द स्क्रीन। उसने पैनल टीवी के नीचे का पैनल खोला एंड प्रेस ए फ्यू बटन, और कुछ बटन को प्रेस किया। इमिडिएटली शीघ्र ही ए पर्सन स्क्रीन पे दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम स्पीकिंग फॉर रोबोटिक्स सेंटर लिमिटेड, मैं रोबोटिक्स सेंटर लिमिटेड से बोल रहा हूँ। प्लीज लेट मी नो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज मैं जान सकता हूँ क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर, आई हैव टू फाइल ए कंप्लेन अगेंस्ट यूर रोबोट मॉडल जॉय टीवी। जॉय 4। गुड मॉर्निंग मिस्टर, आई हैव ए फाइल, मेरे पास कंप्लेन है अगेंस्ट योर रोबोट मॉडल जॉय 4 के अगेंस्ट विरोध में एक कंप्लेन है, शिकायत है। मैडम मे आई हैव द कंप्लेन प्लीज, योर कंप्लेन नंबर इज AC 187, प्लीज टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद द रोबोट, सेड द मैन ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पर आदमी था उसने कहा, मैडम मैं कंप्लेन जान सकता हूँ प्लीज, योर कंप्लेन जो नंबर है AC 187 है, प्लीज टेल मी What is wrong with the robot? Robot से क्या wrong हुआ, क्या गलत हुआ, said the man on the screen, स्क्रीन पर आदमी ने कहा। Well, Joy 4th has beaten my son Robin and said Robin's mother, indignantly, I want this egg. ठीक है, Joy 4th ने मेरे बेटे रॉबिन को मारा है, said Robin's mother, indignantly, बहुत नाराज हुए, I want this act, मैं इसका एक्शन चाहती। It has beaten your son, you mean, इसने आपको बेटे को पीटा है, आपका कहने का मतलब है। The robot has touched your son physically, रोबोट ने तुम्हारे बेटे को फिजिकली मारा है। The man asked in a surprised tone, interrupting Robin's mother, मैन ने आश्चर्यजनक टोन में पूछा रॉबिन की मदर से। Yes, mister, he has physically beaten my son, yes, physically why, yes, मेरे बेटे को फिजिकली मारा है। वेल दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल असंभव है। वाई, हाउ ओल्ड इज योर सन, आपका बेटा कितने साल का है। हाउ डज इट मैटर एनी वे, ही इज अबाउट 3, वो 3 साल का है। दैट्स वाई आई सी, मैं देखता हूँ। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। वेल टू टेल यू द ट्रूथ, सच्चाई बताता हूँ, योर लिटिल सन हैज मिस इंटरप्रेट द एक्शन ऑफ द रोबोट, आपके बेटे ने रोबोट के एक्शन को इंटरप्रेट किया होगा। लिटिल चिल्ड्रन ऑफन फील दे हैव बीन बीटन अप, छोटे बच्चे अक्सर करते हैं दे हैव बीन बीटन अप, वो मारते हैं। व्हेन एक्चुअली दे हैव बीन स्कॉल्ड, ओ नो डोंट टेल मी दैट, ये मत बताओ। दैट्स द ट्रूथ मैडम, वी ऑफन गेट सच कंप्लेन, इस प्रकार की पेरेंट से हमारी बहुत सी कंप्लेन अक्सर आती हैं। है बीन लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे की। एंड टू मेक रोबोट सेफ, वी मैन्युफैक्चर रोबोट्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आई मीन विद
Asimov's laws of robotics built into them. Well, what is that? क्या? I mean those laws. मेरा मतलब कानून से. There are three laws. तीन नियम हैं. In short, they are state then come what may. A robot will never harm a human being. Human beings को कभी भी नुकसान नहीं देगा. That's so. How funny is it law? ऐसा है, ऐसा मजेदार है. क्या है नियम है? I never thought a robot could ever harm a human being. यह मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि रोबोट कभी इंसान को नुकसान पहुंचाए हो. लेकिन माँ ने कहा, मैंने स्वयं कभी नहीं सुना कि एक रोबोट ने अत्यधिक नुकसानी के बावजूद आदमी को नुकसान पहुंचाया हो. द मैन स्माइल एंड कंटिन्यू. आदमी मुस्कराया और अपनी बात जारी रखी. वेल, इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी when robots were not even built, people fear road. 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जब रोबोट भी नहीं बने थे तो लोग क्या करते थे? रोबोट से डरते थे. वे महसूस करते थे कि रोबोट बनेंगे तो वह नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे. लेकिन तब एसिमोव थ्रो द ह्यूमन रीडिंग मशीन थ्रो हिज लॉ ऑफ रोबोटिक्स एंड थ्रो हिज साइंस फिक्शन created an environment conducive to research on robots and their use. Robotics नियमों के द्वारा और अपने काल्पनिक विज्ञान के द्वारा वातावरण बनाया जो कि रोबोट और उसके उपयोग के शोध के लिए अनुकूल था. He portrayed healthy image of robot. उसने रोबोट के स्वस्थ तस्वीर को चित्रित किया. But that was a long time ago. लेकिन बहुत समय की पहले की बात है कि अब लोग ऐसी उनके नियमों के भूल चुके हैं. लेकिन हमें उनके नियमों को अपने रोबोट में ईमानदारी में शामिल करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग मी ऑन दिस सब्जेक्ट. इस विषय में शिक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. It's my pleasure, madam. If you don't mind, I would like to make a suggestion here. Madam, मेरा ये सौभाग्य है, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ. Yes, what is it? हाँ, क्या है? We have recently started manufacturing a new model of robot called Enidmon exclusively for toddlers. It understands all the problems of toddlers like their irritability. हमने हाल में रोबोट के एक नए मॉडल का निर्माण किया है जिसका नाम है Enidmon. पूर्णतः रूप से बच्चों के लिए, बच्चों की समस्याओं के लिए और उनकी तर्कहीनता के लिए. We guarantee that you will not have any problem as you had now. हम तुमको आश्वासन देते हैं कि समस्या नहीं होगी. शुड आई सेंड यू वन फॉर ए ट्रायल? हम तुमको एक ट्रायल के लिए भेज सकते हैं. दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, सेड रॉबिन्स मदर. रॉबिन्स की माँ ने कहा, रोचक लगा. यस, यू मे सेंड वन फॉर ए टू डेज ट्रायल. एक या दो दिन के लिए ट्रायल भेज सकते हो. आई थिंक आई शुड कन्फाइन जॉय टू किचन ओनली. मैं सोचती हूँ कि ये परीक्षण के लिए ये किचन में ही सही रहेगा. ओके, गुड बाय, अलविदा. गुड बाय मैम. अलविदा मैम. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस. हमको बुलाने के लिए, फोन करने के लिए धन्यवाद. रॉबिन्स मदर हैड नाउ रीअश्योर्ड हरसेल्फ अबाउट द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द रोबोट इन हर हाउस. रोबोट की माँ ने अपने आप अपने घर में रोबोट के सुरक्षा मानक पर भरोसा कर लिया. She realized that the man from the robotics center was right. She herself had punished her son so many times earlier for his naughtiness. उसने महसूस किया कि रोबोट सेंटर का आदमी ठीक था. उसने खुद अपने बेटे को कई बार उसकी शैतानियों के लिए सजा दी थी. अतः स्वाभाविक रूप से विचार आया कि रोबोट ने उसको जरूर पीटा होगा. Came her naturally, but that man, human weakness, a human being shout at a beat somebody when he or she is angry, but robots are different.
के कि लेकिन ये एक मानसिक कमजोरी है, मानविक कमजोरी है कि जब मनुष्य गुस्से में होता है तो किसी पर चीखता है या किसी को पीटता है। लेकिन रोबोट के डिफरेंट है, रोबोट अलग है, जो मानव के द्वारा बनाई गई मशीन है। दे हैव नो इमोशन, उसमें कोई भी भावना नहीं है। नथिंग अबाउट ह्यूमन सिंपैथी, उसमें कोई भी सहानुभूति नहीं है। वे किसी को नहीं पीट सकते बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद एंगर और एनी अदर ह्यूमन बींग्स। वो किसी गुस्से या मनुष्य की किसी भावना से परिचित नहीं है। लगता है उनमें असीम धैर्य है। दे सीम टू हैव फिनिटी पेशेंट, लगता है उसमें असीम धैर्य है। चिल्ड्रन, हमने आज लेसन पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।